बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी साहब नू, गल करांगे फिर और जुडिशरी सिस्टम पे। थोड़ा जहा एक निका जहा तुसी अगर मुआवजा कर दे छोटा जहा, भट्टो साहब की फांसी की वजह की सी? भट्टो साहब की फांसी की वजह यह सी कि उन्हें पार्लीमेंट खलो के एक बंदे ने धमकी दी है कि बाहर निकल तो मैं देख लाँ। उस तक कतलाना हमला हो गया, वो कतल हो गया, उसके मुजरम भट्टो साहब को ठहरा के फांसी दे दी गई। इसको जुडिशियल कतल आज तक आख्या जाता है और है भी जुडिशियल कतल ही। चलो असं भी यही सुनते आए हैं। सब तो पहले तो मैं क्लीयर कर दिया, मैं एक अनपढ़ बंदा, एडा पढ़िया लिखा मैं कोई नहीं। रेमन डेविस जिसने दिहाड़ी दिहाड़ी कैमरिया के सामने बंदे मारे, कोई तफशीश भी नहीं अजे पूरी हुई, 15-20 दिहाड़े अंदर अंदर चक के अमेरिका मारिया जाने ने। अगर ये गल अदालत आखदी है जी असी इस चीज़ के चलो जिम्मेदार नहीं आ कि वह नस गया या कुछ या कख, तो जो जिम्मेदार ने उन्होंने तो नोटिस लै लो। अयान अली का केस देख लो तुसी, सामने जिस बंदे बेचारे ने पकड़ के अयान अली नू दिता है, अदालत च पेश किया गया है, उसना जनाब हो एक तो अयान अली ने छोड़ दिता, दूजा वो बंदा ही कतल हो गया जिस बंदे पकड़ी है, तो उस बंदे का अज तक पता ही कौन मैंने कतल किने किया। सुभान अल्लाह जी, साडा जुडिशरी सिस्टम मॉडल टाउन दे देख लो, कैमरिया के सामने बंदे मारे, कैमरिया के सामने पुलिस, पंजाब पुलिस ने मारे। जाहिर है पंजाब पुलिस ने जितों आर्डर आए सारियां नू पता है, एक मैं अनपढ़ बंदा पाकिस्तान के 95% बंदे नू पता है भी उन्होंने बंदे नू मारने का जिम्मेदार कौन है। अगले दिहाड़े की गल है, वो मुड़े इमरान रियाज ने भी यही गल कही है जज साहब नू, जिहड़ा तुहाड़े पिछे बंदा कागज़ पर तुहानू फड़ांदा ना, इसनू भी सारी गल का पता है, लेकिन जो कुछ मेरे नाल हो रहा है दो चीज़ा अगर तो जज आखते ना साडे इख्तियार कुछ भी नहीं, तो फिर खाली तनखा लैने वास्ते मेरा ख्याल है कि बंदा रोटी खाने वास्ते कोई होर नौकरियां ढेरन बंदा चढ़ के जज क्या दो उस जजमेंट तो अपना कोई नौकरी कर लैन, क्योंकि अगर तुम फैसले नहीं कर सकते आप तो फिर मेरा ख्याल है गल आखदा भी नौकरी होर कोई कर लेनी बेहतर है, बड़िया नौकरियां किसी होर पास नौकरी कर लो जो नौकरी खाली करनी। मैं तरस आता इन्हों जज द जजा तो हिसाब इन्हें जजा वाला देना है, क्योंकि जाहिर है काजी एक बड़ा वड्डा मनसफ है, अल्लाह ताला इजात ने बड़ा वड्डा मनसफ है काजी, जिसनू तुसी अल्लाह तो बाद इख्तियार है कि वह किसी की जान लै सकता है, किसी फांसी का आर्डर दे सकता है, किसी की जिंदगी रोक सकता है। एडे वड्डे अहुदे ते बह के अगर तुसी आदि जी असी साडे कोल इख्तियारात नहीं है, तो अगर तुहाड़े कोल इख्तियारात नहीं है तो मेरा ख्याल है गल आखदे छड़ देना चाहिए जिते तुहाड़े कोल इख्तियारात ना हो। बाकी गल्लां तां करिए ढेर सारियां, ना वीडियो मैं 2 घंटे की बना लीए नहीं मुकदियां गल्लां, तुहाड़े सामने की गल मेरा ख्याल है गल आखदा जांदे वक्त च अज तक मैं कोई नहीं सुनिया भी किसी अदालत के खिलाफ धरना दिता होगा, क्योंकि इन्हां दी ना बेरुमती बहुत जल्दी हो जाती है, इन्हां दी क्या तोहीन बहुत जल्दी हो जाती है, ये तो इन्हें अदालत बहुत जल्दी हो जाती है। वजीर आजम सड़क पर बंदा खलो के गल्लां काढ लवे तो वह कोई तोहीन नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं बंदे गल्लां कढ देण पे तो कोई तोहीन नहीं। अगर इन्हां दे एक फैसले तो खाली सवाल उठा लिया जाए तो इन्हां दी तोहीन हो जाती, ये एडे मुकद्दस हैं। चलो जी, अल्लाह जी दे वाला है, दुआवां याद रखना है सरकार, तो चैनल सबसक्राइब कर लेने, कोशिश करनी है चलो एक हेल्प हो जाती है।